अखिलेश यादव ने 2022 का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए पूरा जोर लगाया हुआ है। पत्नी डिंपल यादव और गठबंधन के सभी साथी उनकी इस कोशिश में उनका साथ दे रहे हैं, फिर चाहे वो जयंत चौधरी हो या फिर सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर या फिर बंगाल से आई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। इस बार बीजेपी को सत्ता से साफ कर अखिलेश को कुर्सी दिलाने के लिए ये सभी प्रयासरत हैं। अब जब मेहनत इतनी की गई है तो मान सम्मान भी तो पूरा होना ही चाहिए ना। तो ममता बनर्जी के मान सम्मान में कोई कोर कसर नहीं रखते हुए डिंपल यादव ने भी ले लिया उनका आशीर्वाद। डिंपल यादव ने ममता बनर्जी के चरण स्पर्श कर उनके आशीर्वाद लिए। ये सब हुआ लखनऊ के कार्यक्रम के वक्त, जब 2022 के मिशन के साथ ममता बनर्जी लखनऊ पहुंची। यह कार्यक्रम में मंच से गेंद फेंक कर उन्होंने खेला होबे के यूपी संस्करण के संकेत भी दे दिए। यही मौका था जब डिंपल यादव ममता बनर्जी का आशीर्वाद लेते दिखी। फोटो सेशन भी हुआ और फिर ये तस्वीर चर्चा का विषय भी बन गई। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज सिंह काका ने डिंपल और ममता की इस तस्वीर को पोस्ट किया और लिखा, समाजवादियों के संस्कार उनकी पहचान है। ऐसा माना जा रहा है कि इस पोस्ट के मायने सिर्फ समाजवादी पार्टी के संस्कार दिखाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ब्राह्मण वोटों को अपनी तरफ करना भी मकसद है। कैसे? अगर आपको याद हो तो ममता बनर्जी ने बंगाल विधानसभा चुनाव के वक्त खुद को शांडिल्य गोत्र का ब्राह्मण बताया था। इसके बाद फिर बंगाल चुनाव में भी समीकरण बदलने शुरू हुए थे और यही कोशिश अब यूपी में की जा रही है। हालांकि ब्राह्मणों को लुभाने की अखिलेश यादव की ये कोई पहली कोशिश नहीं है, वो तो योगी की ब्राह्मण विरोधी छवि का फायदा उठाते हुए पहले भी ब्राह्मणों को अपने पाले में करने का प्रयास कर चुके हैं और अब ये डिंपल यादव की ममता बनर्जी की पैर छूते हुए तस्वीर आई है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी में सिर्फ अखिलेश ही अच्छे राजनीतिज्ञ नहीं हैं, बल्कि डिंपल यादव भी राजनीति की एक मंझी हुई खिलाड़ी मानी जाती हैं। वो पैर छूने के पीछे नुकसान और फायदा सब कुछ समझती हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में आपको याद हो तो जब सपा और बसपा साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, तब डिंपल ने मायावती के पैर छुए थे, उनके भी चरण स्पर्श कर आशीर्वाद दिया था, जिससे मतदाताओं में यह संदेश गया था कि दलितों की सबसे बड़ी नेता का आशीर्वाद डिंपल यादव ने उनके चरणों में झुक कर लिया। हालांकि यह कोशिश फ्लॉप साबित हुई। डिंपल की इस कोशिश से समाजवादी पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ। अब देखते हैं, जब डिंपल की ममता बनर्जी के पैर छूते तस्वीर वायरल हुई है तो फिर समाजवादी पार्टी को इस चुनाव में इसका कितना फायदा मिलता है। आपको बता दें कि अखिलेश जहां जिला दर जिला अपनी पार्टी के लिए जन समर्थन जुटा रहे हैं, वहीं डिंपल आध्यात्म और पूजा पाठ कर अपनी जीत पक्की करने की कोशिश में लगी हुई है। अभी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी और फिर वृंदावन में बांके बिहारी का आशीर्वाद लिया था और अब लखनऊ में ममता बनर्जी के पैर छूते इस तस्वीर से भी समाजवादी पार्टी प्रदेश में एक अलग संदेश देने की कोशिश में है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि इसका क्या फायदा समाजवादी पार्टी को मिलता है। अपनी तमाम रणनीतियों के जरिए आखिर बीजेपी के खिलाफ कहां तक पहुंच पाई समाजवादी पार्टी? वैसे आपको क्या लगता है, क्या ममता बनर्जी के पैर छूने का डिंपल को फायदा मिलेगा या फिर 2019 की तरह ये कोशिश भी असफल हो जाएगी? आप इस पर विचार अपने जरूर साझा करें।